आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन, कहा आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में यह नया अध्याय है। भारत के खाते में जुड़ी एक और उपलब्धि, 15 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ किशोरों का पूरा हुआ टीकाकरण। जम्मू कश्मीर में शोपियां के चेरमार्ग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा महामारी की घातक तीसरी लहर को कम करने में वैक्सीन की अहम भूमिका। भारत यूएई में व्यापार समझौता, मोदी सरकार के कार्यकाल में किसी देश के साथ पहला पूर्ण व्यापारिक एग्रीमेंट, बढ़ेगा निर्यात। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक से मिले जयशंकर, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा। भारत ने COVID-19 वैक्सीन आपूर्ति के लिए शीर्ष वैश्विक निर्माताओं को आपत्तिजनक नियमों और शर्तों को किया खारिज, मांडविया ने दिया ये बयान। मोदी ने कि सिख नेताओं से मुलाकात, आखिर क्यों कहा भारत का जन्म 1947 में थोड़ी हुआ था। भारत के 3 शहरों में सबसे ज्यादा करोड़पति परिवार, वरुण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 में हुआ खुलासा। देश के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंडियन ऑयल ने स्थापित किए 1000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का किया आभार व्यक्त, बोले कोरोना संकट में आपने भारतीय नागरिकों का रखा ख्याल। प्लास्टिक पैकेजिंग पर भी सरकार हुई सख्त, लगेगा जुर्माना, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रोकथाम के लिए तैयार किए नए निर्देश। जल जीवन मिशन ने हासिल किया बड़ा मुकाम, हर घर जल वाला देश का 100वां जिला बना हिमाचल प्रदेश का चंबा। टीएमसी सुप्रीमो ने दिखाई भतीजे पर ममता, पार्टी में नंबर 2 पर बने रहेंगे अभिषेक बनर्जी। हजाब विवाद से बीजेपी में बढ़ी बेचैनी, पार्टी को आशंका कहीं सीएए जैसी नौबत ना आ जाए। अयोध्या में भाजपा के प्रत्याशी के वाहन के काफिले पर फायरिंग के मामले में सपा प्रत्याशी अभय सिंह गिरफ्तार, संवेदनशील क्षेत्र में मतदान के लिए पहले ही हिंसा। सपा ने फिर अलापा ईवीएम राग, चुनाव आयोग से की मतदान के बाद ब्यौरा उपलब्ध कराने की मांग। सीएए आंदोलनकारियों से वसूली रद्द करने का आदेश, कांग्रेस बोले ये यूपी सरकार के गाल पर तमाचा। प्रियंका गांधी वाड्रा का भाजपा पर तंज, बोली एक सिलेंडर और मुफ्त राशन से नहीं संवरेगा भविष्य।
कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा भाजपा गवर्नेंस में फेल, असल मुद्दों से भटका रही ध्यान। केजीएमयू में अब इलाज के लिए कोरोना जांच की अनिवार्यता खत्म, वैक्सीनेशन जरूरी। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण से छूटे 20.52 लाख बच्चों को 7 मार्च में लगेंगे टीके, 3 चरण में चलेगा मिशन इंद्रधनुष। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का निधन, लंबे समय से थे बीमार। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आरोप, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आतंकियों से है समाजवादी पार्टी का कनेक्शन। वाराणसी में पूर्व बड़ा गांव थानाध्यक्ष महेश पांडे के खिलाफ मानवाधिकार हनन का मुकदमा। जौनपुर में मुठभेड़ के दौरान 4 अंतर जनपदीय शराब तस्कर गिरफ्तार, 1 को लगी गोली। सोनभद्र में घर में सो रही वृद्धा की हत्या, गले में मिले चोट के निशान। वाराणसी में 22 से 25 फरवरी तक रहेंगे अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। प्रदेश में बढ़ने लगा तापमान, वाराणसी सहित पूर्वांचल में जल्द ठंड से मिलेगी राहत। यूपी के मुख्य सचिव ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ऐप किया लॉन्च, धाम में सुस्वागतम से होगा दर्शन पूजा। काश राजभर और वाराणसी के शुगर प्रत्याशी बेटे अरविंद के खिलाफ कोर्ट में अर्जी, नामांकन के दौरान प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। ट्रेनों में बिकेगा मल्टीपर्पज आइटम, बोगियों की सफाई के साथ ही कमाई भी करेगा पूर्वोत्तर रेलवे। संत कबीर नगर में पीठासीन अधिकारियों के समेत 6,840 मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण। गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पहले 2 चरण के मतदान ने जता दिया कि भाजपा का ही परचम। चुनाव 2022 में गैर जनपद से आवाजाही करने वालों पर सीसीटीवी से होगी निगरानी, पुलिस की गतिविधियों पर भी रखी जाएगी निगरानी। बांदा में सड़क किनारे मिले 2 अज्ञात शव, संदिग्ध परिस्थिति में मिले शव। गोरखपुर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को नगर पंचायत ने चलाया अभियान। गांजा तस्करी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आरोपित नहीं चुन सकता पूछताछ का स्थान। प्रयागराज में तंदूर जलाकर सो रहे रेस्टोरेंट कर्मी, दम घुटने से 1 की मौत, 4 लोग हुए भर्ती। मेरठ में 20 लाख की लूट की सूचना से हड़कंप, स्कूटी की डिक्की में मिला लाखों रुपए का कैश।
बागपत में तेज रफ्तार का कहर, चार बार पलटी, दूल्हे जीजा समेत तीन घायल। आगरा में शहर के बीचों बीच फैक्ट्री में लगी आग, नुकसान का भी नहीं किया गया आकलन। तीसरे चरण के लिए मैनपुरी का रण तैयार, चार विधानसभा सीटों पर टकराएंगे 22 सूरमा। छेड़छाड़ से तंग आकर युवती ने पुलिस से की शिकायत, रोमसंस कंपनी के जीएम को हुई जेल। अलीगढ़ में 60 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद, एक भी मतदाता ने टेंडर वोट का नहीं किया इस्तेमाल। पति पत्नी को तवे से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, महिला पर हक जमाना बनी हत्या की वजह। बिल्ली की सोच वाली राजनीति करते हैं हरीश रावत, एकला चलो का सिद्धांत आ रहे आड़े, सुबोध उनियाल ने दिया यह बयान। कैंट के पूर्व चेयरमैन को नैनीताल हाईकोर्ट का नोटिस, आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की एप्लीकेशन पर सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बोले, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। हरीश रावत का सीएम धामी को जवाब, कहा वक्त बताएगा कौन देख रहा है मुंगेरी लाल के सपने। सोनिया गांधी जिसे चाहेंगी वह बनेगा उत्तराखंड का सीएम, हरीश रावत ने दिया यह बयान। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों ने खोजा षडग्रह, नासा ने दी इसे स्वीकृति। नैनीताल हाईकोर्ट में 21 फरवरी से होगी भौतिक रूप से सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प भी रहेगा जारी। एम्स ऋषिकेश में नियुक्ति के विरोध में आक्रोश, संगठन बोले स्थानीय बेरोजगारों को मिले रोजगार, कार्रवाई की हुई मांग। उत्तराखंड के बुग्याल में लगी आग, वन जीवों के शिकारियों के सक्रिय होने की आशंका। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मृत्यु प्रमाण पत्र में उजागर कर रहा व्यक्ति की मौत का राज। उधम सिंह नगर में देर रात चुनावी रंजिश में कई राउंड फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में पुलिस विभाग की घोर लापरवाही, सैकड़ों सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड ट्रैक्टर। हरिद्वार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कच्ची शराब स्मैक किया जब्त। सुल्तानपुर में अवैध खनन में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली हुआ सींच, कारोबारियों में मचा हड़कंप। यूएई में सबसे प्राचीन बिल्डिंग की खोज, जो 8500 साल पुराना है इतिहास।
बाइडेन का दावा, डोनबॉस पर हमले को लेकर अफवाह फैला रहा है रूस, यूक्रेन पर करेगा हमला। पुतिन की मौजूदगी में रूस करेगा मिसाइल ड्रिल, ताकत और तैयारी का प्रदर्शन करेगी सेना। यूक्रेन के समर्थन में यूएस सीनेट ने पारित किया प्रस्ताव, रूस को मिली चेतावनी। युद्ध की आहट के बीच 25,000 लुहानसक निवासियों ने पार की रूस की सीमा। सिंगापुर में बरपा कोरोना का कहर, 18,094 नए मामले किए गए दर्ज। अमेरिका ने 5 भारतीय बाजार को कुख्यात बताया, पालिका बाजार पर लगाया है ट्रेडमार्क जालसाजी और कॉपीराइट चोरी का आरोप। अमेरिका ने यूक्रेन की सीमा से हटने के रूसी दावों को किया खारिज, पोलैंड को होगी टैंकों की बिक्री। अब ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन के खिलाफ सख्त हुई सरकार, प्रदर्शनकारियों के 2 नेता गिरफ्तार, सरकार ने दी है चेतावनी। नेपाल में भारत के यूपीआई की एंट्री, अब पड़ोसी देश के लोग भी स्वदेशी डिजिटल लेन देन का उपयोग करेंगे, एनआईपीएल ने किया समझौता। ग्यारह मार्च को आएगा एलआईसी का आईपीओ, पहले आम निवेशकों को नहीं मिलेगा मौका। भारत और यूएई ने सीपा पर हस्ताक्षर किए, $100 अरब का हो सकता है बायलेटरल ट्रेड। बिटकॉइन और इथेरियम सहित लगभग सभी क्रिप्टो में गिरावट, तिथर में होगी बढ़ोतरी। हीरा उद्योग को बड़ा बनाने की जरूरत, सरकार कर रही पूरा फोकस, पीयूष गोयल ने दिया बयान। गोल्ड रिजर्व में 95.2 करोड़ डॉलर का इजाफा, विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने शुरू की नई सुविधा, वीडियो कॉलिंग से भी होगा हेल्थ इंश्योरेंस। एसबीआई का अनुमान, सरकार घर चलाने के लिए दे सकती है ₹50,000 का तोहफा। सरकार की बड़ी ट्रेंड डील, यूएई को किए जाने वाले एक्सपोर्ट व इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, ट्रेंड $100 अरब पहुंचने की उम्मीद। इंडिगो में बड़ा बदलाव, को फाउंडर राकेश गंगवाल का बोर्ड से इस्तीफा, 5 साल में धीरे धीरे कम करेंगे एयरलाइंस में अपनी हिस्सेदारी। वर्जिन गैलेक्टिक ने स्पेन ट्रैवल के लिए टिकट बुकिंग शुरू, किराया है ₹3.5 करोड़। विराट कोहली को बीसीसीआई ने किया छुट्टी पर भेजने का फैसला, श्रीलंका के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे T20 सीरीज। ऋषभ पंत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ी तूफानी हाफ सेंचुरी, महेंद्र सिंह की करी बराबरी।
बिहार के युवा बल्लेबाज ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, डेब्यू मैच में बना डाली ट्रिपल सेंचुरी। किरण पोलार्ड ने टी20 इंटरनेशनल में रचा इतिहास, ये उपलब्धि हासिल करने वाले वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी बने। कामनाई पूरन व पावेल के 50, वेस्टइंडीज को भारत ने 8 रनों से हराया। गावस्कर ने बताई शान किशन की कमजोरी, बोले मिशन मेलबोर्न मुश्किल। आगरकर ने बताया किसे दिया मौका। टिम शाउदी का पंच, तीसरे ही दिन न्यूजीलैंड से हारा दक्षिण अफ्रीका। पुजारा का खराब परफॉर्मेंस जारी, मुंबई के खिलाफ 0 पर आउट। अब्दुल समद ने सिर्फ 68 गेंदों पर जड़ दिया शतक। गौतम गंभीर और लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भुवनेश्वर पर भड़के रोहित, भुवी ने टपकाया आसान कैच, कैप्टन ने गुस्से में गेंद को लात मारी। अर्जुन सिंह स्टारर अनदेखी 2 का ट्रेलर हुआ लॉन्च, 4 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। कंगना रनौत के बदले सुर, बोली एकता कपूर नहीं है बुली गैंग का हिस्सा, नेपोटिज्म पर भी बदली राय। काव्या थापर को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पुलिस के हाथापाई व एक्सीडेंट करने का लगा आरोप। दीपिका पादुकोण ने अनन्या पांडे को लेकर किया खुलासा, बोली अनन्या कभी अपना खाना शेयर नहीं करती। फरहान अख्तर संग शादी के पहले शिवानी डांडेकर शॉर्ट स्वेटशर्ट में हुई स्पॉट। विक्रांत मैसी ने शीतल ठाकुर संग लिए 7 फेरे, दूल्हा दुल्हन की पहली फोटो हुई वायरल। एबीसीडी फेम लॉरेन ने ओ अंटमा पर दिखाया बॉलीवुड स्टाइल वाला सामान था को दी टक्कर। सलमान खान और कैटरीना कैफ ने दिल्ली में की टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग, एक्शन अवतार में चोट लगी हुई फोटो हुई वायरल। रामायण की सीता ने जिम में दिखाया मॉडर्न लुक, फिटनेस के लिए जमकर बहाती है पसीना। रवि जाधव छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनाएंगे बायोपिक फिल्म, और टेंडर एनालिसिस तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर की है जानकारी। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।